जय हिंद आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी सेट के सिलेबस को सी सेट का पूरा नाम होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ये पता होना चाहिए आपको कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में और यूपी पीसीएस में भी आप देखोगे तो और बहुत सारे स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन में भी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी सी सेट का जो पेपर है वो जीएस पेपर टू का पार्ट होता है एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बताऊं सिविल सर्विसेज एग्जाम सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इन नेचर होने का क्या मतलब है? कि केवल इसमें आपको थर्टी थ्री परसेंट ऑफ सिक्योर करना होता है तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने CSAT के सिलेबस को सबसे पहले हम देखेंगे अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले सेक्शन को या जिसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आप कह सकते हो एकदम लेम एंड टर्म में कि मैथमेटिक्स वाला सेक्शन होगा तो पहले सी सेट के पैटर्न को समझ लेते हैं तो सी सेट में अगर आपको पता होगा मैंने बताया आपको ये जीएस पेपर टू में पूछा जाता है और इसमें 80 पूरे पूछे जाते हैं अस्सी सवाल होते हैं कितने नंबर का होता है टू मार्क्स का होता है और ये मैंने बताया आपको क्या है ये पेपर कैसा होता है दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर क्वालिफाइंग इन नेचर होने का क्या मतलब है कि इसमें आपको थर्टी ऑफ दी मार्क्स सिक्योर करना है थर्टी ऑफ दी मार्क्स मतलब क्या कि अगर दो नंबर का पेपर हो रहा है तो एटलीस्ट सिक्सटी सिक्स मार्क्स आपको इसको

नी रॉन्ग आंसर मतलब निगेटिव मार्किंग भी है निगेटिव मार्किंग कितनी है वन थर्ड वन थर्ड किसका जितना मार्क्स अलॉटेड होगा हर क्वेश्चन को कितना मार्क्स अलॉटेड है टू पॉइंट फाइव मार्क्स ठीक है ढाई नंबर अलॉट होता है और उस ढाई नंबर का वन थर्ड कट जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे तो आई थिंक आप पैटर्न समझ चुके हो सी सेट का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम को नंबर सिस्टम को कहा जाता है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक्स ऑफ क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड इन योर सी सेट सिलेबस नंबर सिस्टम में हम क्या शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम में हम सबसे बेसिक से शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम में हम देखेंगे

आप कह सकते हो यूपीएससी सिविल सिविल सर्विसेज सर्विसेज एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन एंड वेरियस स्टेट एज वेल यूपीएससी में इसका पैटर्न क्या होता है एट्टी क्वेश्चन हैं 200 नंबर का पेपर होता है एक क्वेश्चन नंबर का होता है वन थर्ड मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप क्वेश्चंस गलत मार्क करोगे तो और सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ठीक है और बहुत सारे बच्चे सी सैट में ही फेल कर जाते हैं तो क्योंकि उनका बेसिक्स बहुत कमजोर होता है तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से मैंने इसका सिग्निफिकेंस भी आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम से यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सी सेट में कितने क्वेश्चंस हर साल दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करोगे तो ये नंबर तीन चार पाँच क्वेश्चंस तक जाता है तो आज नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम क्या शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर ये बेसिक्स है टाइप्स ऑफ नंबर समझने के पहले समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं नंबर्स क्या हैं नंबर्स जो है वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लेबल करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए तो क्या बोला मैंने नंबर्स आर यूज टू उंट जब फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे कहा जाए कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो ये नाइन क्या है नाइन एक मैथमेटिकल नंबर है नाइन एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो काउंट करने के लिए यूज किया जा रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन क्या किया हमने काउंट कर लिया कितको टाइप्स ऑफ नंबर्स को तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया नंबर्स क्या होते हैं नंबर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी भी चीज को काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए ठीक है अब हम डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं देखिए नंबर्स तो बहुत टाइप के होते हैं अगर आप देखने जाओगे तो नंबर्स कहीं कहीं पे मेंशन होता है नंबर्स आर ऑफ 12 टाइप्स नंबर्स आर ऑफ 15 टाइप्स टाइप्स 20 types, लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो नंबर्स जरूरी हैं वो ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स इवेंट नंबर ऑड नंबर प्राइम नंबर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कंपोजिट नंबर ये सारे नंबर्स हम देखने वाले हैं विध एग्जांपल्स आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको इन नंबर्स में कोई भी कंफ्यूजन बचा नहीं रह जाएगा ये मेरा प्रॉमिस है आपसे तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स आर दी काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम आप कह सकते हो काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मतलब क्या बता रहा हूं कि एक से स्टार्ट करके जहां तक आप काउंट कर सकते हो वो सब क्या है नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं सो नेचुरल नंबर्स क्या है ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन एक्सेप्ट जीरो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर जीरो क्या है होल नंबर है मैं क्या बता रहा हूं कि ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर नेचुरल नंबर्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर इसका देखना है तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 इन फाइनाइट नंबर तक आप जा सकते हो तो कहने का मतलब क्या है ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हुआ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है आपका वन समझ में आ गया आई थिंक आप समझ गए हो कि वॉट इज द नेचुरल नंबर सो इज नेचुरल नंबर ऑल द काउंटिंग नंबर एक्सेप्ट जीरो हम कह सकते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या होते हैं काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन वन से लेकर जहां तक आप गिन सकते हो गिनते चले जाओ वो सब क्या है नेचुरल नंबर हैं। जीरो नहीं है याद रखना है जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर जीरो इज अ होल नंबर अब होल नंबर क्या होता है होल नंबर की डिफीनिशन होती है ऑल काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद जीरो ऑल काउंटिंग नंबर्स with विथ जीरो हम ऐसा भी कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स with विथ जीरो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल numbers along विथ जीरो नेचुरल नंबर पता है आपको कि एक से स्टार्ट करके जहां तक आप गिनती गिन सकते हो वो सब क्या है नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर्स क्या होते हैं जीरो को भी इंक्लूड कर लो और सारे नेचुरल नंबर्स तो इसका एग्जांपल अगर आपको बताना होगा तो क्या बताओगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 चले जाओ जहां तक जा सकते हो तो समझ में आ गया नेचुरल नंबर और होल नंबर नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है नेचुरल स्टार्ट फ्रॉम एंड होल नंबर की सीरीज है नेचुरल नंबर क्या होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये क्या हो गया नेचुरल नंबर तो आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा पता रहना चाहिए आपको कि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है जीरो क्या है एक होल नंबर है समझ में आ गया नेचुरल नंबर और

Along विथ जीरो प्लस जीरो अगर हम इंक्लूड करते हैं जैसे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री डॉट 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 इधर से आप चले आए माइनस टेन माइनस नाइन माइनस एट कहीं से भी चले आओ मतलब ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर्स along विथ जीरो आर कॉल्ड as इंटीजर समझ में आ गया नेचुरल नंबर एक से शुरू होगा इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो नेचुरल नंबर होल नंबर जीरो जीरो क्या है नेचुरल नंबर है कि होल नंबर जीरो इज अ होल नंबर बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर फिर मैंने आपको बताया इंटीजर सभी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर निगेटिव काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विध जीरो निगेटिव काउंटिंग नंबर जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव ऐसे चले जाओ जहां तक जा सकते हो जीरो को भी इंक्लूड कर लो और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर को भी इंक्लूड कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये क्या हो गया इंटीजर्स हो गया तो तीन चीजें तीन टाइप्स ऑफ नंबर हमने डिस्कस कर लिया अब आता है फोर्थ टाइप इवन नंबर्स व्हाट आर इवन नंबर्स इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 हम क्या मैं क्या बोल रहा हूं इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली exactly डिविजिबल होते हैं बाय 2 अब ये डिविजिबल बाय 2 का क्या मतलब है जो दो से पूरी तरह से कट जाए कट जाएगा मतलब कैसे जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ये सब क्या है ऐसे हम कर सकते हैं तो डिविजिबल नंबर मैंने क्या बताया आपको यहां पर कि वो सभी नंबर जो दो से से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे इवन नंबर क्या जीरो डिविजिबल है जीरो को लेकर कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को कि क्या जीरो इवन नंबर है या नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जीरो क्या है एक इवन नंबर है कैसे जीरो दो से डिवाइड हो जाता है कैसे आप जीरो बाई टू करोगे तो क्या आएगा जीरो आएगा फोर बाई टू करके देखो क्या आएगा आएगा मतलब हमने जब टू जीरो को टू से डिवाइड किया तो जीरो टाइम्स गया कि नहीं गया तो इसलिए जीरो बाई टू जो है वो डिविजिबल हो गया क्योंकि जीरो इज डिविजिबल बाई टू तो इसलिए हम जीरो को भी इवेंट नंबर करते हैं सो वॉट आर ईवेट नंबर इवेंट नंबर आर दो नंबर से पूरी तरीके से कट जाएगा जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा उसको हम बोलेंगे नंबर इस तरीके से आपको जाना है समझ में आ गया बात कि ऐसे नंबर जो दो से पूरी तरीके से कट जाएंगे उसको हम बोलते हैं इवन नंबर क्या जीरो इवेंट नंबर है हाँ सर जीरो इवेंट नंबर है क्यों क्योंकि जीरो बाई टू करने पर जीरो हमें मिल रहा है तो समझ में आ गया इवन नंबर ऑड नंबर पे आ जाते हैं ऑड नंबर्स क्या होते हैं ऑल दोस नंबर्स व्हिच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 समझ में आ रही बात कि नहीं ऑल दोस नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 मतलब ऐसे नंबर्स जो दो से डिविजिबल नहीं है डिविजिबल बाय 2 जैसे सर 1 3 5 7 अगर इनको डिवाइड करने जाओगे 2 से तो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा कुछ ना कुछ बचेगा जैसे थ्री बाई टू करोगे तो एक बार जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा टू वन जा टू और 1 बच जाएगा। मतलब दो से पूरी तरह से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर है इवेंट जीरो नंबर लेकिन अगर हम ऑड नंबर्स की बात करेंगे तो ऐसे नंबर जो दो से डिविजिबल नहीं होते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तो को हिंदी में क्या बोलते हैं सम संख्या नंबर्स को क्या बोलते हैं विषम संख्या संख्या तो सम क्या होती है जो दो से भाज्य हो या दो से विभाजित हो जाएगी और जो दो से विभाजित नहीं होगी उसको हम क्या बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं तो ये पांच टाइप्स के नंबर अभी तक आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स इवन नंबर होल नंबर अब समझते हैं ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स समझना है तो प्राइम नंबर्स को आप ऐसे समझो प्राइम नंबर्स नंबर्स आर आर दोज डिविजिबल बाय वन एंड इट क्या बोल रहा हूं प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं और एक से डिविजिबल होते हैं कैसे सर बता सकते हो मुझे यस इज वन अ प्राइम नंबर नो क्योंकि प्राइम नंबर वन नहीं है क्योंकि वन जो है वो केवल इसका एक ही फैक्टर है मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एट ओनली टू फैक्टर्स एंड विच आर दोज टू फैक्टर्स दोन एंड द नंबर इट जैसे अब हम बात करें किसकी टू की हम बात कर लेते हैं थ्री की हम बात कर लेते हैं फाइव की तो क्या टू एक प्राइम नंबर है हाँ टू एक प्राइम नंबर है लेकिन टू एक इवन नंबर भी तो है क्यों क्योंकि टू इज डिविजिबल बाई टू लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो टू के कितने फैक्टर्स हैं टू केवल दो फैक्टर्स हैं एक और दो मतलब टू इज डिविजिबल बाई वन एंड द नंबर इट सेल्फ मतलब क्या प्राइम नंबर आर दो नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स द नंबर इट सेन याद रखना है टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर क्या बोल रहा हूं टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर मतलब क्या कि दो एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है याद रखोगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर तो क्या बताओगे दो दो इज द ओनली टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर समझ में आ गया थ्री का एग्जाम्पल देखोगे थ्री के फैक्टर्स देखोगे तो क्या होगा वन एंड थ्री और कोई फैक्टर है क्या इसके पास नहीं है मतलब क्या थ्री जो है वो डिविजिबल है खुद से मतलब थ्री से और एक से डिविजिबल है मतलब इसके पास केवल दो फैक्टर्स होते हैं तो आई थिंक आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स विच वन नंबर वन एंड नंबर इट समझ में आ गई बात सो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक से डिविजिबल होते हैं और नंबर से ही डिविजिबल होते हैं मतलब प्राइम नंबर नंबर इट में आ गया और याद रखना है वन इज नॉट अ प्राइम नंबर वन प्राइम नंबर नहीं है क्यों वन प्राइम नंबर नहीं है सर क्योंकि वन के पास केवल एक फैक्टर है और वो क्या है केवल एक समझ में आ गई बात लेकिन टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर और आप देखने जाओगे चार चार क्या प्राइम नंबर है नहीं है क्यों क्योंकि चार के पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं एक भी है दो भी है और चार भी है समझ में आ गई बात आई थिंक आपको समझ में आ गया प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स विच हैव एक्जैक्टली टू फैक्टर्स प्राइम नंबर रीजन वन के पास केवल एक फैक्टर है वो भी एक है समझ में आ गई बात अब देखो प्राइम नंबर को भी फर्दर डिविजिबल किया गया जैसे एक होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर दो नंबर को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर कब कहते हैं जब उनके पास कोई और भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन यहां देखो लिखा गया है इफ दे डू नॉट एनी अदर देन वन मतलब क्या कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं प्राइम नंबर तो हो गया प्राइम नंबर हमें समझ में आ गया सर प्राइम नंबर के पास दो फैक्टर्स होते हैं उसमें से एक नंबर खुद होता है और एक होता है अब हम समझ रहे हैं कि रिलेटिवली नंबर नंबर क्या होते हैं रिलेटिवली मतलब दो प्राइम नंबर हो जाएंगे कब जब उनके पास एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा समझ में आ रही बात जैसे थ्री और फाइव का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं थ्री के पास क्या क्या फैक्टर्स हैं वन एंड थ्री फाइव के पास क्या फैक्टर है वन और फाइव इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर कौन सा है वन ओनली तो क्या एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है नहीं है तो तीन और पांच क्या हो गया रिलेटिवली को प्राइम नंबर हो गया और बताओ सर फाइव और सेवन ले लो फाइव का फैक्टर क्या क्या है वन एंड फाइव सेवन का क्या है वन एंड सेवन कॉमन कौन सा है एक कोई और है नहीं है तो ये भी क्या हो गया रिलेटिवली को प्राइम नंबर हो गया और देखो इलेवन ले लो और आप क्या ले सकते हो सेवनटीन ले सकते हो ले लो इलेवन एंड सेवनटीन इलेवन का फैक्टर कौन सा है वन एंड इलेवन सेवनटीन का देख लो वन एंड सेवनटीन तो कौन सा कॉमन फैक्टर है Only. तो क्या समझ में आया रिलेटिवली प्राइम नंबर दो नंबर को रिलेटिवली प्राइम नंबर जब उनके पास एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन समझ में आ, मतलब आ गई बात की नहीं कि अगर एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा किसी दो प्राइम नंबर के पास तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर समझ में आ गई बात अब हम समझते हैं ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं ट्विन प्राइम्स दो नंबर को ट्विन प्राइम्स कहा जाएगा जब वो डिफर करेंगे याद रखना दो नंबर्स को ट्विन प्राइम नहीं कहा जाएगा दो प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम्स कब कहा जाएगा जब वो डिफर करेंगे बाई टू समझ में आ रही है बात मतलब जब दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस दो होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे ट्विन प्राइम रिलेटिवली प्राइम क्या है दो दो प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली को प्राइम नंबर कब बोलेंगे जब उनके पास एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा एग्जांपल मैंने दिया आपको थ्री फाइव फाइव और उसके बाद अगर आप देखोगे फाइव सेवन का एग्जाम्पल मैंने दिया आप इलेवन सेवनटीन का एग्जाम्पल ले सकते हो

5 और सेवन के बीच में डिफरेंस देख लो दो का है और दोनों प्राइम प्राइम है तो क्या हो गया ट्विन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द एक बार फिर से समझा देता हूं प्राइम नंबर क्या होते हैं ऐसे नंबर जिनके पास केवल दो फैक्टर्स होते हैं द नंबर एंड वन हम ऐसे भी कह सकते हैं नंबर विच इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ एंड वन इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर समझ में आ गया सर एग्जाम्पल बता दो टू टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर क्यों क्योंकि दो खुद से कटेगा और एक से कट जाएगा एक क्या प्राइम नंबर है नहीं एक प्राइम नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि एक, के पास के एक ही फैक्टर होता है मैंने आपको बताया प्राइम नंबर के पास दो फैक्टर्स ही होते हैं केवल दो फैक्टर तीन नहीं होगा केवल दो फैक्टर होंगे और वो दो फैक्टर कौन सा होगा एक नंबर खुद और एक तो दो देखोगे दो किससे किससे कट जाएगा एक और दो से तो दो क्या हो गया टू इज द

ट्विन प्राइम कब कहा जाएगा दो प्राइम नंबर ट्विन प्राइम तब कहे जाएंगे जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा दो मतलब दो डिफरेंस होगा मतलब अगर आप माइनस करोगे फाइव माइनस थ्री टू थर्टीन माइनस इलेवन टू सेवन माइनस फाइव टू तो आई थिंक आपको समझ में आ गया रिलेटिवली और ट्विन प्राइम नंबर अभी तक हमने क्या डिस्कस किया नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स इवन ऑड नंबर एज वेल एज प्राइम नंबर प्राइम नंबर में भी मैंने आपको दो टाइप बताया रिलेटिवली को प्राइम एंड ट्विन प्राइम क्लियर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं अ कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच हैव एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स क्या बोल रहा हूं कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास कम से कम तीन फैक्टर्स होते हैं सब तीन फैक्टर्स होते हैं इसका क्या मतलब है एक तो एक होगा और नंबर होगा जब एक और नंबर होगा तो वो प्राइम हो जाएगा लेकिन जैसे ही एक नंबर और कोई एक और तो क्या हो जाएगा वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा सर एग्जांपल बता सकते हो क्या बिल्कुल बता दूंगा एग्जांपल आपको चार का एग्जांपल देख लो फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर फोर देखो क्या होगा वन टू एंड फोर मतलब एक और चार के अलावा एक तीसरा भी फैक्टर है कि नहीं है मतलब क्या डिस्कस कर रहा हूं कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके पास कम से कम तीन फैक्टर्स हों एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं तीन से कम हुआ तो वो क्या हो जाएगा अगर तीन से कम होगा तो मतलब दो और जब दो होगा तो वो क्या होगा प्राइम नंबर हो जाएगा समझ में आ रही बात की नहीं जैसे तीन तीन क्या है तीन के पास केवल दो फैक्टर हैं एक और तीन कंपोजिट नंबर क्या होता है विच और इन तीन फैक्टर्स में एक भी आएगा वन वो नंबर भी आएगा और कोई एक और यहां पे देखो लिखा गया है एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स जिसमें एक नंबर नंबर एक इट और कोई एक जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया चार का फोर फोर के पास कितने फैक्टर्स हैं चार एक से भी डिविजिबल है दो से भी डिविजिबल है चार से भी डिविजिबल है मतलब अगर ये केवल एक और चार से डिविजिबल होता तो हम उसको क्या बोलते प्राइम बोल देते मतलब अगर उसको समझने जाए तो लेकिन फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर उसको कंफ्यूज नहीं करना है फोर कंपोजिट नंबर क्यों है क्योंकि इसके पास तीन फैक्टर्स हैं और कोई बता सकते हो सर बता देता हूं दस को ले लो दस के पास कितने फैक्टर्स हैं एक से कट जाएगा दो से कट जाएगा पांच से कट जाएगा दस से कट जाएगा क्या इसके पास एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स हैं? हाँ सर, इसके पास तो चार फैक्टर हैं। आपने बताया केवल तीन फैक्टर होने की बात तो कहने का मतलब हाँ सर, हमें कंपोजिट नंबर भी समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या है नंबर विच हैव एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल फोर एंड को क्या बताया वन टू फाइव एंड टेन समझ में आ गया कंपोजिट नंबर क्या है कंपोजिट नंबर याद रखना है कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके पास एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स हो ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट कितने भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट की तीन होने चाहिए समझ में आ गई बात प्राइम नंबर से कंफ्यूज नहीं करना है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर एक दूसरे अलग है एक दूसरे से ठीक है पूरी तरीके से अब समझते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं रेशनल नंबर क्या होता है अ नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू क्या बोल रहा हूं एक ऐसा नंबर जो लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एट द्यू इज नॉट इक्वल टू जीरोन ये क्या है रेशनल नंबर है. है? है. है? है मतलब अगर आप कोई नंबर जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए इसका क्या मतलब है? अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अगर आप क्यू जीरो लिखोगे तो थ्री बाई जीरो लिखोगे और थ्री बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाता है फाइव बाई जीरो लिखोगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा इसीलिए हम कहते हैं कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो सो वॉट इज रेशनल इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो सो रेशनल नंबर क्या होता है रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू समझ में आ रही है बात कि नहीं पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होता है रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल अपॉन्ट फाइव फाइव अपॉन्ट सेवन टेन अपॉन्ट थर्टीन लेकिन ध्यान रखना है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए सर क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो रखोगे न्यूमिनेटर में कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा तो यह चीज गलत हो जाएगी तो ध्यान रखना है रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो समझ में आ गई बात अब इन रेशनल नंबर रेशनल नंबर बता दिया इन रेशनल नंबर क्या होते हैं irrational नंबर आर those नंबर विच कैन नॉट बी in इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता है दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू जैसे सर अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव अंडर अंडर रूट रूट ये सब क्या दीज आर समझ में आ गई बात रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्जाम्पल्स मैंने तुम्हें तीन बटे पांच पांच बटे सात दस बटे तेरह बताया क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर में जीरो रखोगे इन्फिनिटी आ जाएगी इेशनल नंबर क्या होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको अगर आप देखोगे अगर p Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है वो क्या है आर इेशनल नंबर्स और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव अंडर रूट सेवन अंडर रूट इलेवन अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो सेट ऑफ नंबर्स मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं रियल नंबर्स सो रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल इेशनल समझ में आ गया सो रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स तो हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ नंबर सबसे पहले मैंने आपको बताया वट इज दिल पैटर्न ऑफ यूपीएससी यूपीएससीट एग्जामिनेशन इसमें एट्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो नंबर का होता है एक क्वेश्चन ढाई नंबर का होगा निगेटिव मार्किंग भी होगी फिर मैंने आपको बताया नंबर्स क्या होते हैं नंबर्स मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको यूज किया जाता है टू मेजर समथिंग टू काउंट समथिंग फिर मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ नंबर टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन न टू थ्री फोर फाइव सिक्स जहां तक जा सकते हो चले जाओ ये क्या है नेचुरल नंबर है होल नंबर क्या होता है ऑल द काउंटिंग नंबर या हम कह सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो जैसे जीरो से शुरू कर दो लेकिन याद रखना है वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो जीरो से शुरू कर दो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चले जाओ फिर हमने डिस्कस किया इंटीजर्स की बात की इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स पॉजिटिव एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद जीरो जैसे तुम चले आ रहे हो माइनस टेन माइनस नाइन माइनस सेवन माइनस एट माइनस फाइव ऐसे चले जाओ जीरो तक जीरो को भी इंक्लूड कर लो पॉजिटिव टू चले जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद जीरो नंबर डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड एज इवन नंबर जीरो इवन नंबर है हाथ सर क्योंकि जीरो बाई टू

कोई एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा तीन पांच पांच सात ग्यारह तेरह ठीक है ये सब क्या हो जाएंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस दो होगा उन्हें क्या कहा जाएगा ट्विन प्राइम नंबर ठीक है कंपोजिट कंपोजिट नंबर आर जिनके पास कम से कम तीन फैक्टर होते हैं मैंने चार का एग्जाम्पल दिया जैसे फोर फोर के पास फैक्टर क्या है वन टू एंड फोर फिर हमने डिस्कस किया रेशनल नंबर रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो थ्री बाई फाइव फाइव बाई सेवन सेवन बाई इलेवन क्या है रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि तो क्यू के जगह जैसे ही हम जीरो रखेंगे हमें इन्फिनिटी मिलने लग जाएगा थ्री बाई जीरो इन्फिनिटी आता है ठीक है समझ में आ रही बात लेकिन जीरो बाई थ्री जीरो आता है समझ में आ रही है बात कि नहीं रेशनल नंबर इेशनल नंबर आर दो नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन दफ़ पी बा है और जब हम रेशनल और इेशनल को जोड़ते हैं तो इन इसी सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा अच्छे से वट इज द टाइप ऑफ नंबर क्या होते हैं सी सेट का पेपर कैसे इंट्रोड्यूस किया गया आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आपको यह टाइप ऑफ नंबर समझ में आ गया और अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करिए ताकि मुझे मोटिव मिले और मैं आपको और अच्छे से बेहतरीन कंटेंट आपके सामने ले आ सकूं एंड आई प्रॉमिस यू अब आप CSAT पेपर में फेल नहीं होंगे मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने अभी आपको बताया मैं डिस्कस करूंगा बताऊंगा फार्मूले भी याद करवाऊंगा और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर होंगे आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें एट द सेम टाइम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या आपको ये टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आ गया या नहीं जय हिंद थैंक यू